अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। रफी, नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंधुजा। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के ही कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। खान समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी है। रफी खान के साथ कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष नौशाद भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 5,62,000 रुपए के जाली नोट और अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। तो जाली नोटों का नेटवर्क चलाने का आरोप और समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता जो आरोपों के घेरे में है, न सिर्फ नकली नोट बरामद किए गए हैं बल्कि हथियारों का जखीरा भी मिला है, इस तरह की भी सूचना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बरामदगी हुई उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता को इस मामले में पकड़ा गया है। नाम रफी खान, जो कि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। रफी खान के साथ कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो लोग पकड़े गए उनमें समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का एक उपाध्यक्ष भी बताया जाता है, जिसका नाम है नौशाद। जब यह बरामदगी हुई उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर है, और यही नहीं, हथियारों का जखीरा भी पकड़ा गया है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। ये जो है एक गैंग बनाकर ये क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं और इन पे कई मुकदमे भी कायम है और इनके कुछ पॉलिटिकल गतिविधियां भी है, और ये जितने भी हैं चाहे कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन ये अपराध में पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाली नोट की तस्करी में पुलिस का एक बड़ा खुलासा भी सामने आया है। यूपी, बिहार से लेकर नेपाल तक फैला हुआ था जाली नोट का यह कारोबार। सीमावर्ती इलाकों में चलाया जा रहा था नकली नोट का यह पूरा नेटवर्क। लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का भी इस गैंग पर आरोप है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त थे ये लोग। न सिर्फ जाली नोटों का यह गोरख धंधा चल रहा था बल्कि जमीन पर कब्जा भी किया करते थे इस गैंग के लोग। लोगों की जमीन हड़प ली जाती थी। जाली नोटों में डील करने वाले ये 10 शातिर बदमाश है, जो गैंग है इनका, इनके पास से नेपाली करेंसी भी मिली है और इनके मूवमेंट की सूचना भी हमारे पास मिली है, जिसपे हमारी टीम काम कर रही है। ये सभी एक शातिर किस्म के, इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीज़ें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। और मामला इसलिए राजनीतिक रंग ले रहा है क्योंकि जो शख्स पकड़ा गया उनमें से 2 लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इस पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वीरेश पांडे ने उनसे बातचीत की, सुनिए आप। कुशीनगर में आपकी पार्टी के 2 बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, जाली नोट हथियार के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए, एडवांस में कोई किसी को नहीं चिन्हित कर सकता कि कौन क्या कर रहा है। इस केस के तथ्यों से हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि जिस पे आरोप लगाए वो अपनी सफाई देगा और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस जाति, धर्म, दल देख के कार्रवाई करती है तो हम लोग सवाल उठाते हैं और जब भी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो सवाल उठाए जाएंगे। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि हत्या, लूट, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों के, डकैती के जो मुलजिम हैं, अगर वो समाज भारतीय जनता पार्टी के पास सड़ जाएं, महाराज जी के पैर छू लें तो माफ हो जाए, और अगर वो ऐसा नहीं है उनकी, तो उनकी जात धर्म के देख से किसी दल से उन्हें जोड़ दिया जाए। ऐसे मामलों में हमारा विरोध है और रहेगा। पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई करे, जो जिस पे आरोप लगाए वो अपना पक्ष रखेगा और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए।
तो पार्टी भी कोई एक्शन लेगी? पार्टी के पास जब तथ्य आएंगे तो निश्चित तौर पे, पार्टी का कोई कानूनन जिम्मेदारी अधिकार तो नहीं है, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर छटनी करती रहती है। जब उसे अपनी कार्यकर्ता के बारे में कोई गलत खबर मिलती है तो उस पर जाँच करती है। जिसका जो लोकल यूनिट है, जब वो तथ्य बताएगी कि क्या मामला है, गलत है, सही है, आपसी द्वेष में हुआ है, वास्तव में कोई संगीन अपराध कर रहे थे, तो उसके हिसाब से पार्टी अपनी कार्रवाई करती है और करेगी। आपने सुना इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। यकीनन बहुत चौंकाने वाली ये पूरी घटना है। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे को आपने देखा जब बात कर रहे थे वो उदयवीर जी से, और इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान की गिरफ्तारी में एक और खुलासा हो गया है। इलायची का कारोबार करता है आरोपी रफी खान, ये भी पता चला है, और इलायची के कारोबार की आड़ में जाली नोटों का धंधा चल रहा था। असम से दिल्ली तक फैला है रफी का नेटवर्क। रफी खान पर जीएसटी की चोरी का भी आरोप लगा है। तो ऐसा लगता है कि आदतन फितरतन ये शख्स अपराधी। न सिर्फ जीएसटी के मामले में यह गच्चा दे रहा था सरकार को, जीएसटी चोरी करता था, बल्कि असम से दिल्ली तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ बताया जा रहा है। कहने को इलायची का कारोबार करता था, लेकिन उसकी आड़ में इसका जाली नोटों का गोरख धंधा चल रहा था। और इस वक्त मेरे साथ वीरेश पांडे मौजूद हैं, मेरे सहयोगी, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। वीरेश, वाकई में चौंकाने वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पकड़े गए लोग उनमें से एक लोहिया वाहिनी से जुड़ा हुआ है और दूसरा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से, समाजवादी पार्टी में। देखिए, समाजवादी पार्टी के ये राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और इलायची के आड़ में ये गोरख धंधा करते थे, और बिहार के रास्ते, बिहार में यानी यूपी और बिहार के बॉर्डर पर तमकुही राज में इसका घर है, और इसी के द्वारा यानी सारी रिश्तेदारी इसकी बिहार में, और बिहार के जरिए फिर नेपाल में नकली नोटों का धंधा और साथ ही साथ जो हथियार हैं उनका धंधा ये करता था। पुलिस का साफ कहना, संतोष मिश्रा जो कुशीनगर के एसपी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की तहकीकात की और जो सामने तथ्य आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बरामद हुई हैं जो जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से जोड़े जा रहे हैं। नेपाल के रास्ते और भी ये तमाम काम करता था जिसके तार खंगाले जा रहे हैं कि कहीं अरबियन कंट्री में, कहीं आईएसआई से इसके कहीं कहीं तार तो नहीं जुड़े हुए हैं। ये भी एक बड़ा खतरा है। जो जांच एजेंसियां हैं इस मामले पर भी जांच कर रही हैं, इस पूरे मामले में जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी लगा दी गई हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का मामला है, अति संवेदनशील मामला है, और ये बहुत दिनों से इलायची के धंधे की आड़ में ये अपना व्यवसाय करता था, यानी नकली हथियारों का साथ ही साथ नकली नोटों का, बहुत सारे ऐसे इसके धंधे थे जो बिहार के जो इसके रिश्तेदार थे, क्योंकि जब इसे गिरफ्तार किया गया और तो ऐसे में हमारे पास खबर है कि बिहार से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में रसूखदार लोग यूपी पहुंचे थे, कुशीनगर पहुंचे थे इसे छुड़ाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए। तो ये जो धंधा है बिहार से भी जुड़ता है, नेपाल से भी जुड़ता है, और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो विदेशी शक्तियों से भी इसके तार जुड़े होने की आशंका है, इससे उन्होंने इनकार नहीं किया है। जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था। वीरेश, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।